सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली चरखी दादरी पुलिस पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए तुरंत प्रभाव से 4 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिया है और 2 बर्खास्त किया गया है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के भी आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल इन पुलिसकर्मियों को थाने में युवक से दुर्व्यवहार करना उस वक्त महंगा पड़ गया जब पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस के आला अधिकारी को दी, जिसके बाद थाना पुलिस हरकत में आई और तुरंत कार्रवाई अमल में लाई गई। कि सोमवीर है वार्ड नंबर 19 का दादरी का रहने वाला और उसका और राहुल नाम के व्यक्ति का आपस में झगड़ा हो गया था, जो सोमवीर ने पुलिस स्टेशन सिटी में कंप्लेंट की थी। जिस कंप्लेंट का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने राहुल को पुलिस स्टेशन में, जो कि पुलिस स्टेशन में आने के बाद राहुल ने कंप्लेंट की भी, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है और इसी दुर्व्यवहार का संज्ञान लेते हुए माननीय एसपी साहब ने 4 पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है और 2 एसपीओ थे इसमें संलिप्त जिनको बर्खास्त कर दिया है, विभागीय जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक चरखी दादरी के गौशाला मोहल्ला निवासी एक युवक के साथ करीब 1 सप्ताह पहले दादरी सिटी पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने कड़ा संज्ञान लेते हुए दादरी सिटी थाना प्रबंधक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने व 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित करने और 2 स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ को बर्खास्त करने के आदेश दिए। दरअसल बीती 13 मार्च को दादरी के वार्ड 19 निवासी सोमवीर ने गौशाला मोहल्ला निवासी राहुल के खिलाफ मारपीट करने पर गाली गलौज करने की शिकायत दादरी सिटी पुलिस को दी थी। शिकायत के संबंध में दादरी सिटी पुलिस स्टेशन के कर्मचारी उक्त राहुल को पीसीआर में रोज गार्डन के पास थाने में लेकर आए, जहां पुलिस कर्मचारियों द्वारा राहुल के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। चरखी दादरी से नरेंद्र कुमार, पंजाब केसरी टीवी।